गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ दिनेश दादिच, केमिस्ट्री लेक्चरर। TCM का मेजर टेस्ट हम डिस्कस कर रहे हैं, मेजर टेस्ट 9। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, द करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवर्ड टू E+। अपने पास डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उसमें इलेक्ट्रोफाइल के अटैक के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर बताना है, और जो अपने पास कंपाउंड है एरोमेटिक कंपाउंड है, मतलब ESR के लिए रिएक्टिविटी का ऑर्डर हमें डिस्कस करना है। तो हम रिएक्टिविटी का ऑर्डर डिस्कस करते हैं, तो डिफरेंट टाइप के कंपाउंड अपने पास लिखे हुए। एक कंपाउंड अपने पास जाइलिन लिखा हुआ है, जिसमें ये CH3 और CH3 पैरा पोजिशन। ओके, दूसरा अपने पास अगर चेक करें तो टोलुइन इसमें लिखा हुआ है, टोलुइन का एग्जांपल आ गया। अपने पास CH3 और COH कंपाउंड लिखा हुआ है, और अपने पास दोनों पोजीशन पे COH, मतलब टर्थेलिक एसिड अपने पास लिखा हुआ है। इसके लिए E+ का अटैकिंग ऑर्डर हमें डिस्कस करना है। अगर हम पहले वाले में कहें तो CH3 का प्लस H इफेक्ट होता है, प्लस H इफेक्ट के कारण बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी तो E+ के लिए रिएक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो दोनों CH3 का प्लस H इफेक्ट यहां पे रहेगा। सेकंड ऑप्शन में अपने पास CH3 का कैसा इफेक्ट होगा, प्लस H इफेक्ट होगा, जिससे बेंजीन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन में अपने पास इसका तो प्लस H इफेक्ट होगा, लेकिन इसका माइनस M इफेक्ट होगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी माइनस M इफेक्ट के कारण। यहां पे दोनों COH के कारण कैसा इफेक्ट होगा, माइनस M इफेक्ट होगा, और माइनस M इफेक्ट के कारण इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें हुई, फर्स्ट में, उसके बाद सेकंड में, उसके बाद थर्ड में। इनमें तो दोनों ही इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, तो E+ के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अगर हम इसकी तरह देखें तो ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, और जो टर्थेलिक एसिड है वो सबसे कम रिएक्टिव हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा हो गया अपने पास, ऑप्शन नंबर 2 अपने पास करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, सॉल्यूशन चैप्टर से अपना क्वेश्चन है, और बोल रहा है 0.020 mm सॉल्यूशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज प्रिपेयर्ड, विच सॉल्यूशन यू एक्सपेक्ट टू फ्रीज एट -0.149°C। ओके, कोई एक सॉल्यूशन बनाया है, उसके लिए फ्रीजिंग पॉइंट में जो डिप्रेशन होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो हो गया 149°C। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, हम जानते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ΔTF = जो होता है वो होता है KF into I into molality। ΔTF हमें गिवन है, वो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है, तो अपने पास हो गया 0.149°C। KF की वैल्यू वाटर के लिए 1.86 गिवन है, और आई की वैल्यू हम अगर कैलकुलेट कर लेते हैं तो नंबर ऑफ आयन हमें मिल जाएंगे, और अपने पास एम की वैल्यू गिवन है, तो सॉल्यूशन की मोलेलिटी है वो 0.020 mm है। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो आई की वैल्यू जो अपने पास हो जाएगी वो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। आई की वैल्यू 4 होने का मतलब जो नंबर ऑफ आयंस इस इलेक्ट्रोलाइट से अवेलेबल होंगे वो 4
आयंस है वो फोर पार्टिकल्स हमें अवेलेबल हो जाएंगे। अगर डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट पे हम डिस्कशन करते हैं तो जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है कोबाल्ट ईएन का होल ट्वाइज और सीएल टू और सीएल, ये जो नंबर ऑफ आयन प्रोवाइड करेगा वो नंबर ऑफ आयन प्रोवाइड करेगा टू। इसका आयोनाइजेशन कुछ इस तरह से होगा सीओ ईएन का होल ट्वाइज सीएल टू और ये हो गया प्लस प्लस सीएल माइनस, इस तरह से इसका आयोनाइजेशन होगा। अगर सेकेंड ऑप्शन पे डिस्कस करते हैं तो नंबर ऑफ आयन्स जो मिलेंगे वो टू मिलेंगे, थर्ड ऑप्शन में नंबर ऑफ आयन्स कितने मिलेंगे थ्री मिलेंगे। अगर फोर्थ ऑप्शन पे हम डिस्कस करते हैं क्रोमियम NS3 का सिक्स और Cl3, तो यहां से इसको अगर आयोनाइज्ड करते हैं तो अपने पास हो गया Cr NS3 का सिक्स प्लस थ्री प्लस थ्री Cl माइनस। नंबर ऑफ आयन्स कितने अवेलेबल हुए, नंबर ऑफ आयन फोर अवेलेबल हो गए। नंबर ऑफ आयन फोर अवेलेबल हो जाएंगे तो आई की वैल्यू किसके लिए फोर रहेगी, इसके लिए फोर रहेगी, तो फोर्थ ऑप्शन अपने लिए क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कशन करते हैं। डी स्टूडेंट्स, एक पैराग्राफ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड पैराग्राफ है, एक कोई केमिस्ट है एक्सपेरिमेंट कर रहा है और कंपाउंड ए है जिसमें कार्बन की परसेंटेज है वो 87.5% है और हाइड्रोजन है वो अदर हाइड्रोजन रिमेनिंग है, ठीक है। अब इस टिपिकल कार्बनिक जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है इसकी रिएक्शंस जो अपने पास ए रहा था, ए की रिएक्शंस किसके साथ करवाता है, BH3 के साथ करवाता है एल्केलाइन हाइड्रोजन परोक्साइड की प्रेजेंस में। तो अपने पास जो कंपाउंड मिलता है वो कंपाउंड बी मिलता है, मोलिकुलर फॉर्मूला C7H14O एज ए प्रोडक्ट के रूप में मिलता है। जो बी कंपाउंड मिला है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा रहा है, टोसाइल क्लोराइड के साथ करवा रहा है पिरिडीन और KOH के साथ, पिरिडीन और KOH के साथ, तो कंपाउंड सी अपने को ऑब्टेन होता है। और एक सरप्राइज रिजल्ट अपने को मिलता है कि जो कंपाउंड सी है वो ए का क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया, ए का क्या हो गया, आइसोमर्स हो गया। और कंपाउंड सी है इसका ओजोनोलाइसिस करते हैं -60°C पर H2 और ZN की प्रेजेंस में, तो अपने को जो कंपाउंड का प्रोडक्ट है उसकी स्ट्रक्चर मिलती है वो ये वाली स्ट्रक्चर अपने को मिलती है। तो इस रिएक्शंस में हमें ए और बी को आइडेंटिफाई करने हैं कि ए कौन सा है और बी कौन सा है। सिंपली इस रिएक्शंस को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अगर इस पैराग्राफ को कोशिश करें समझने की, तो अपने पास जो प्रोडक्ट बना है वो अपने पास ए कंपाउंड था, ए कंपाउंड की रिएक्शंस B2BH3 और H2O2 और OH- आयन की प्रेजेंस में करवा रहा है, तो कंपाउंड अपने को बी मिल रहा है, ठीक है। अब यह कह रहा है कि बी की रिएक्शंस टोसाइल क्लोराइड के साथ करवा देता है TSCl, टोसाइल क्लोराइड के साथ करवा देता है, पिरिडीन साथ में काम में लेता है और साथ में KOH काम में लेता है, तो कंपाउंड है वो सी ऑब्टेन होता है। और जो सी है वो ए के साथ क्या रखता है, आइसोमेरिक रिलेशन रखता है, सी ए का क्या हो गया, आइसोमर हो गया। और सी की रिएक्शंस O3 H2 और ZN के साथ करवाता है, तो अपने पास जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो इस तरह का प्रोडक्ट मिल रहा है। ये अपने पास प्रोडक्ट मिल रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को मिल रहा है, ये प्रोडक्ट अपने को मिला। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रोडक्ट को देख के हम बता सकते हैं कि अपने पास
ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बना होगा, तो ओजोनोलाइसिस से ये प्रोडक्ट बना होगा तो अपने पास सी वाला प्रोडक्ट कौन सा रहा होगा। ओजोनोलाइसिस में हम लोग कहते हैं जहां से दो कार्बोनाइल ग्रुप बन रहे होते हैं उन कार्बोनाइल ग्रुप के बीच में क्या रहता है, मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है। तो देखिए मेरे ख्याल से जब अपने पास ये वाला कंपाउंड बना है तो यहां अपने पास इन दोनों के बिटवीन क्या रहा होगा, बॉन्ड रहा होगा। और कैसी स्ट्रक्चर रही होगी, 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये वाली 6 मेंबर की रिंग रही होगी। और अपने पास जो सी की स्ट्रक्चर रही होगी इस ओजोनोलाइसिस से, वो सी की स्ट्रक्चर ये रही होगी, ये अपने पास सी की स्ट्रक्चर रही होगी। देखिए ये अपने पास सी की स्ट्रक्चर रही होगी, देखिए अपने पास 6 मेंबर की रिंग बन गई, एक मल्टीपल बॉन्ड हो गया, और जहां मल्टीपल बॉन्ड है वहां अपने पास क्या हो गया, सी एस थ्री हो गया। अब ये जो सेम स्ट्रक्चर है वो किसकी रही होगी, ए की स्ट्रक्चर रही होगी। तो अपने पास जो ए है वो कंपाउंड क्या हो गया, ये वाला कंपाउंड अपने पास ए हो गया। इसकी रिएक्शंस अपने पास किसके साथ करवा रहा है, B2H6 यानी BH3 के साथ करवा रहा है H2O2 और OH- आयन की प्रेजेंस में। अगर इसका हाइड्रोबोरेशन करते हैं तो रिएक्शंस में जो अपने पास हाइड्रोबोरेशन में एडिशन ऑफ H2 होता है, और एडिशन ऑफ H2 में जो एडिशन होता है H2 का वो किसके अकॉर्डिंग होता है, एंटी मार्कोनिकोफ रूल से होता है। तो H2O का जो एडिशन रहा होगा वो एंटी मार्कोनिकोफ रूल से रहा होगा। और एडिशन होता है वो कैसा एडिशन होता है, सिन एडिशन होता है। अगर अपने पास यहां पे OH क्या रहा होगा, वेज पे रहा होगा, तो ये वाला H भी किस पे रहा होगा, वेज पे रहा होगा, और CH3 किस पे रहा होगा, डैश पे रहा होगा। क्यों डियर स्टूडेंट्स, ये एडिशन ऑफ H2 हो गया। अब इसकी रिएक्शन पहले टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाता है, ये अपने पास क्या हो गया, कंपाउंड बी हो गया। इस बी की रिएक्शन टोसाइल क्लोराइड के साथ करवाता है, तो टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शंस करवाएगा तो इसमें अपने पास टोसाइल क्लोराइड में ये अपने पास स्टीरियो बताने की जरूरत नहीं है, तो टोसाइल क्लोराइड में अपने पास यहां CH3 हो गया और ये अपने पास OTS बन जाएगा। इसकी रिएक्शन KOH के साथ करवा रहा है तो क्या हो जाएगा, इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा, क्या बनेगा, E2 इलिमिनेशन हो जाएगा और इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनेगा। और जो इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा वो ये वाला इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बन जाएगा, वापस अपने पास यही E2 इलिमिनेशन हो जाएगा, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्किन एज ए मेजर प्रोडक्ट के रूप में बन जाएगा। तो इन क्वेश्चंस का हम आंसर दे सकते हैं, ए और बी के बारे में बता सकते हैं, ये अपना ए रहा होगा और ये अपना बी रहा होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। ओके, नेक्स्ट 9 और 10 नंबर के क्वेश्चन है, ये अपने सरफेस केमिस्ट्री से रिलेटेड है। देर आर सर्टेन सब्सटेंस विच बिहेव एज ए नॉर्मल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एट ए लो कंसेंट्रेशन, बट हायर कंसेंट्रेशन दे बिहेव एज ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कि लोअर कंसेंट्रेशन पे तो किसकी तरह काम करते हैं, इलेक्ट्रोलाइट की तरह, और हायर कंसेंट्रेशन बनाते हैं तो कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेते हैं, एग्रीगेट बना के एग्रीगेशन से कोलोइडल का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कोलोइडल और एसोसिएट कोलोइड्स, एग्रीगेट पार्टिकल्स और कोल्ड मिशेल, जो एग्रीगेट होके पार्टिकल बनाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मिशेल कहते हैं। सोप एंड डिटर्जेंट्स आर एग्जाम्पल ऑफ द एसोसिएट कोलोइड, जो सोप और डिटर्जेंट्स होते हैं एसोसिएट कोलोइड्स के एग्जाम्पल होते हैं। जो कोलोइडल सॉल्यूशन में ये जो एसोसिएट कोलोइड है वो एक सर्टेन कंसंट्रेशन के अबाव किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं, और एक सर्टेन टेम्परेचर के बाद ही किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, जिसे हम लोग क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। क्राफ्ट टेम्परेचर, जैसे हम लोग जानते हैं कि मान लीजिए डिटर्जेंट्स है C17H35COO
Na, ये डिटर्जेंट्स हो गया। अगर इसको हम कहें C70H35COO- + Na+, अगर इसकी लोअर कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में होती है तो ये क्या करता है, एक इलेक्ट्रोलाइट का काम कर रहा होता है, लेकिन इसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन में एक निश्चित सर्टेन कंसंट्रेशन से अबाव हो जाए तो ये क्या करता है, मिशेल का फॉर्मेशन करता है। मिशेल का फॉर्मेशन मतलब इस तरह से मॉलिक्यूल एग्रीगेट होते हैं और इसमें हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक दोनों तरह के पार्ट प्रेजेंट होते हैं, तो हाइड्रोफिलिक पार्ट है वो इस मिशेल के फॉर्मेशन में इंटरनल पार्ट की ओर अरेंज हो जाते हैं और हाइड्रोफोबिक पार्ट है वो इसकी सरफेस की ओर क्या हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं COO-। इस तरह से मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अरेंज हो जाएगा। इस तरह से मॉलिक्यूल्स में ये एग्रीगेशन का फॉर्मेशन कर लेगा COO-, COO-, ये फॉर्मेशन कर लेगा। पास में क्या रहेंगे सॉल्यूशन में, Na+ आयन अवेलेबल रहेंगे। तो इस तरह से इसने किसका फॉर्मेशन कर लिया, मिशेल का फॉर्मेशन कर लिया। अगर ये मिशेल का फॉर्मेशन हो गया, एक सरफेस बन गई और सरफेस से ये क्या बन गया, कोलोइडल पार्टिकल का फॉर्मेशन हो गया। ये मिशेल का जो फॉर्मेशन होता है एक निश्चित कंसंट्रेशन के बाद ही होता है, एक सर्टेन कंसंट्रेशन के बाद होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। ओके, तो इसमें व्हाट टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल्स फॉर्म मिशेल, कौन से टाइप के मॉलिक्यूल मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ऐसे मॉलिक्यूल मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिनके पास सरफेस अवेलेबल होती है। तो थर्ड अपन सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल के बारे में बताते हैं और ये किसका फॉर्मेशन करते हैं, मिशेल का फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट 10 नंबर, मिशेल आर फॉर्म्ड ओनली, हम डिस्कस कर चुके हैं मिशेल का जो फॉर्मेशन होता है वो एक मिनिमम कंसंट्रेशन के बाद होता है और उस मिनिमम कंसंट्रेशन को क्या कहते हैं, क्रिटिकल मिशेल कंसंट्रेशन कहते हैं। और एक टेम्परेचर होना चाहिए, उस सफिशियंट टेम्परेचर के बाद मिशेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो ऐसे ऑप्शन को हमें सिलेक्ट करना है जिसमें सीएमसी से कंसंट्रेशन क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए और टेम्परेचर भी क्राफ्ट टेम्परेचर से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो हम कह रहे हैं कि सीएमसी क्राफ्ट टेम्परेचर दोनों से क्या होना चाहिए, लोअर होना चाहिए, बिलो नहीं होना चाहिए। अबाउ द सीएमसी एंड बिलो द क्राफ्ट टेम्परेचर तो भी रॉन्ग है, हम कह रहे हैं अबाउ द सीएमसी एंड अबाउ द क्राफ्ट टेम्परेचर तो ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपके एक से ज्यादा ऑप्शन सही होंगे, ठीक है। इसमें अपने से पूछा है, कंसीडर द फॉलोइंग एग्जांपल, फॉलोइंग कंपाउंड, इन कंपाउंड को हमें कंसीडर करते हुए डिस्कस करना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, चार मॉलिक्यूल हम लोगों को दे रखे हैं, इन मॉलिक्यूल्स में हमें रिलेशन बताना है कि ये किस तरह के आइसोमेरिज्म शो कर रहे हैं, किस तरह के आइसोमर्स है। फर्स्ट वाले कंपाउंड को अगर हम देखें तो फर्स्ट वाले कंपाउंड में अपने पास बेंजीन रिंग से डायरेक्ट OH लगा है, तो फर्स्ट वाला कंपाउंड क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है। सेकंड वाले कंपाउंड को डिस्कस करें तो सेकंड वाले कंपाउंड में OH है वो डायरेक्ट बेंजीन रिंग से अटैच नहीं है, तो अपने पास ये अल्कोहलिक कंपाउंड है। फिनोल और अल्कोहल आपस में किस तरह के आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। ओके, नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो अपने पास नेक्स्ट कंपाउंड में ऑक्सीजन और ईथर हो गया, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, ईथर प्रेजेंट है। और नेक्स्ट कंपाउंड की बात करें तो यहां भी फंक्शनल ग्रुप क्या हो गया, ईथर एज ए फंक्शनल ग्रुप हो गया। अब जो ऑप्शन है उनके अकॉर्डिंग डिस्कस करके हम करेक्ट रिलेशन को चूज करते हैं। ओके, तो हमने कहा फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड आर द फंक्शनल आइसोमर्स,
चेक करते हैं कि फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड आपस में फंक्शनल आइसोमर्स है क्या। पहले में फंक्शनल ग्रुप फर्स्ट में कौन सा है, फर्स्ट में फंक्शनल ग्रुप है वो क्या है, फिनोलिक कंपाउंड है। सेकंड में फंक्शनल ग्रुप है एल्कोल है। एल्कोल और फिनोल किस तरह के आइसोमर्स हो गए, एल्कोल और फिनोल फंक्शनल आइसोमर्स हो गए। तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शनल आइसोमर्स है। ये क्या हो गया, ईथर हो गया, ईथर हो गया, तो ये भी इनके साथ क्या करता है, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो कर रहा है। तो ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया, फर्स्ट सेकंड और थर्ड फंक्शनल आइसोमर्स है। नेक्स्ट, फर्स्ट एंड सेकंड आर द पोजिशनल आइसोमर्स, फर्स्ट और सेकंड आपस में पोजिशनल आइसोमर्स है क्या, नहीं बिल्कुल, फर्स्ट बिल्कुल नहीं। फर्स्ट और सेकंड किस तरह के आइसोमर्स हो रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड तो फंक्शनल आइसोमर्स हो रहे हैं। तो सेकंड स्टेटमेंट क्या नहीं है, करेक्ट नहीं है। अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड एंड फोर्थ आर द चेन आइसोमर्स, थर्ड एंड फोर्थ आर द चेन आइसोमर्स, आपस में चेन आइसोमर्स नहीं है। इसमें भी सिक्स की चेन है इधर और इसमें भी सिक्स की चेन है, तो ये चेन आइसोमर्स नहीं है। तो क्या हो गए, थर्ड एंड फोर्थ आर द मेटामर्स, जो मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप है उसके सराउंडिंग जो ग्रुप है वो क्या है, डिफरेंट है। तो ये ग्रुप यहां से ये शिफ्ट हो गया, तो मल्टीवेलेंट फंक्शनल ग्रुप के सराउंडिंग जो डिफरेंट ग्रुप अटैच होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, मेटामर्स कहते हैं। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन हो गया। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट ओके डी स्टूडेंट्स, यहां अपने पास फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। देर आर द टू सैंपल ऑफ द HCl हैविंग नॉर्मलिटी 1N एंड 0.25N, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सैंपल टेकन ऑर्डर टू प्रिपेयर 0.75N HCl सॉल्यूशन। अपने पास टू सेपरेट सॉल्यूशन है, एक HCl के सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी 1N है और सेकंड HCl का जो सॉल्यूशन है उसकी नॉर्मलिटी 0.25N है। इनको फाइनल सॉल्यूशन बनाते हैं उसमें नॉर्मलिटी कितनी हो रही है, 0.75N हो रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि NV इक्वल टू N1V1 प्लस N2V2। हमने दो HCl के सॉल्यूशन आपस में मिक्स किए तो यहां N हो जाएगा, वो फाइनल सॉल्यूशन की नॉर्मलिटी हो जाएगी 0.75N, और सेकंड अपने पास फाइनल वॉल्यूम हो गया, और ये जो अपने पास इनिशियल सॉल्यूशन है N1 कितना हो जाएगा, 1N हो जाएगा, और N2 है वो 0.25N हो जाएगा। हम यहां सोल्व करते हैं, अगर हम कहें N फाइनल सॉल्यूशन की मोलरिटी 0.75N, फाइनल सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो भी कितना हो जाएगा, V1 प्लस V2, क्योंकि अगले ने कह रखा है कि अज्यूम नो वाटर इज यूज्ड, एक्स्ट्रा कोई वाटर यूज नहीं हुआ है। तो हमने कहा V1 प्लस V2 इक्वल टू N कितना हो गया, 1, और वॉल्यूम कितना काम में लिया, V1 काम में लिया, N2 कितना हो गया 0.25N, और ये वॉल्यूम कितना हो गया, वॉल्यूम V2 यूटिलाइज हुआ। यहां से इसको सोल्व करें और V1 और V2 का रेशियो कैलकुलेट करें तो V1 अपॉन V2 इसका रेशियो है वो कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसा कोई सॉल्यूशन जिसमें V1 और V2 का रेशियो 2 हो तो उस सॉल्यूशन के लिए ये रिलेशन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन को चेक करते हैं, ये V1 हो गया और ये V2 हो गया, 20/10 कितना हो गया रेशियो, 2 हो गया, तो ये भी क्या करेगा, इस तरह का सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगा। यहां पे 100/50 ये भी क्या करेगा, रेशियो 2 आ गया, ये भी इस तरह के सॉल्यूशन का फॉर्मेशन कर लेगा। थर्ड ऑप्शन में 40/20 रेशियो 2 आ गया, ये भी फॉर्मेशन कर लेगा। 50/25 कितना हो गया, 2 हो गया, तो ये भी, तो ऑल फोर सिंपल्स आर फॉर्म दैट टाइप ऑफ द सॉल्यूशन। ओके डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं।
डी स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें डिस्कस करना है, यहां जो ये रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट रिएक्शन करके SN1 और SN2 के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, SN1 और SN2 के प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, तो हमें बताने टोटल नंबर ऑफ द पॉसिबल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमर्स, स्टीरियो आइसोमर्स इंक्लूड करके हमें क्या बनाने प्रोडक्ट का फॉर्मेशन, कितने प्रोडक्ट फॉर्म हुए, इस क्वेश्चन को हम ब्रीफली डिस्कस करते हैं। अगर मैं कहता हूं कि यहां पे अपने पास SN1 रिएक्शन हो, ये रिएक्टेंट है और अपने पास SN1 रिएक्शन हो, तो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने होंगे। अगर अपने पास ये रिएक्टेंट हो गया CH3 और CH3, अगर SN1 रिएक्शंस है तो किसका फॉर्मेशन होता है डियर स्टूडेंट्स, अपने पास ETOH हो गया और अपने पास कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो गया, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो अपने पास ये वाला कंपाउंड बन जाएगा CH3 CH plus CH CH3 और CH3, ये कार्बोकेटाइन इनिशियली अपने पास बन जाएगा, तो प्रोडक्ट अपना ये कार्बोकेटाइन भी बना सकता है। कार्बोकेटाइन में क्या पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है तो इसमें क्या हो सकती है, शिफ्टिंग ऑफ एच भी हो सकती है, अगर एच की शिफ्टिंग होती है तो मोर स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाएगा, न्यूली फॉर्म कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल, तो अपने पास इसके साथ क्या बन सकता है, ये भी बन सकता है CH3 CH2 CH3 और CH3, ये पॉजिटिव चार्ज यहां पे अपने पास आ जाएगा। अब यहां पे अपने पास न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया, न्यूक्लियोफाइल अपने पास ETOH हो गया, ये वाला भी प्रोडक्ट बना सकता है और ये वाला भी अपने पास ETOH, ये वाला भी अपने पास प्रोडक्ट बना सकता है। अगर ये वाला अपने पास प्रोडक्ट बनाता है तो अपने पास बन जाएगा CH3 CHOET, डिप्रोटीनेशन हो जाएगा और डिप्रोटीनेशन से H प्लस क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा और ये CH CH3 और CH3, ये प्रोडक्ट अपने पास बन जाएगा। अगर न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करे तो अपने पास प्रोडक्ट बन सकता है CH3 CH2 CO ET, अपने पास ये वाला प्रोडक्ट पॉसिबल है। ये वाला जो प्रोडक्ट बना है, इस प्रोडक्ट में ये काइरल कार्बन है और कार्बोकेटाइन होता है वो कैसा होता है, ट्राइगोनल प्लेनर होता है, जितना फॉरवर्ड डायरेक्शन से अटैक की पॉसिबिलिटी है सेम पॉसिबिलिटी बैकवर्ड डायरेक्शन से है, तो इसमें अपने पास R और S दोनों बनेंगे और ये इस प्रोडक्ट बन जाएगा एक प्रोडक्ट, तो टोटल प्रोडक्ट अपने पास ये 2 हो गए और ये 1 हो गया। टोटल प्रोडक्ट अगर SN1 रिएक्शन से पॉसिबल है तो SN1 रिएक्शन से 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है, कितने प्रोडक्ट पॉसिबल है, 3 प्रोडक्ट्स बाय द SN1 मैकेनिज्म। S अगर ये मैकेनिज्म E2 E1 मैकेनिज्म होती तो कितने प्रोडक्ट पॉसिबल होते, ये और डिस्कस कर लेते हैं। डी स्टूडेंट्स, ये अपने पास अगर रिएक्शंस E1 रिएक्शंस होती, E1 मैकेनिज्म होती तो E1 मैकेनिज्म में प्रोडक्ट कितने पॉसिबल थे, वही रिएक्टेंट हो गया अपने पास CH3 CH Br CH CH3 and CH3, अगर E1 मैकेनिज्म है तो भी अपने पास क्या बनता है, कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनता है, तो इसमें कार्बोकेटाइन एज ए इंटरमीडिएट बनाते हैं,
CH3 CH plus C CH3 H and CH3 ये प्रोडक्ट अपने पास पॉसिबल है। इसमें क्या हो सकता है? रीअरेंजमेंट हो सकता है। तो अपने पास न्यूली फॉर्म कार्ब केटाइन प्रीवियस वन से क्या हो रहा है? ज्यादा स्टेबल हो रहा है, क्योंकि देखो न्यूली फॉर्म कार्ब केटाइन होगा CH3 CH2 CH3 और CH3 शिफ्टिंग ऑफ H हो जाएगी। कितने अल्फा H हो जाएंगे इसमें? इसमें कितने अल्फा H है? 3 और 1 4 अल्फा H है। इसमें कितने हो जाएंगे? 8 अल्फा H हो जाएंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। ओके, अब इलिमिनेशन का प्रोडक्ट बनाते हैं तो ETOH है, ETOH डीप्रोटीनेशन का काम करता है और डीप्रोटीनेशन से इलिमिनेशन के प्रोडक्ट बनते हैं। तो डीप्रोटीनेशन इस कार्बन से हो सकता है, इस कार्बन से होता तो अपने पास प्रोडक्ट बन जाता CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 और CH एंड CH3 ये प्रोडक्ट बन जाता। अगर इलिमिनेशन इस कार्बन इस हाइड्रोजन का डीप्रोटीनेशन होता तो अपने पास ये वाला प्रोडक्ट बनता CH3 CH डबल बॉन्ड CH3 और CH3 ये वाला प्रोडक्ट अपने पास बन जाता। तो ये जो कार्बोकेटाइन से इलिमिनेटेड प्रोडक्ट बनते वो इस तरह से दो प्रोडक्ट पॉसिबल थे। अगर इससे बात करें तो इससे अपने पास ये वाला अगर हाइड्रोजन इलिमिनेट होता तो सेम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता। अब हम देख रहे हैं कि इस पोजीशन से डीप्रोटीनेशन अगर होता है तो CH3 CH2 CH3 डबल बॉन्ड CH2 बिल्कुल ये डिफरेंट प्रोडक्ट है इनसे। तो इलिमिनेशन के टोटल कितने प्रोडक्ट बन जाते? 1 ये हो गया, 1 ये हो गया और रन ये हो गया। इलिमिनेशन के कितने प्रोडक्ट बन जाते? 3 प्रोडक्ट पॉसिबल है। हम SN1 के प्रोडक्ट पहले चेक कर चुके हैं। तो SN1 का प्रोडक्ट अपने पास रहा था SN1 प्रोडक्ट प्लस E1 के प्रोडक्ट। SN1 के 3 प्रोडक्ट थे, E1 के 3 प्रोडक्ट हो गए, तो टोटल कितने प्रोडक्ट हो गए? 6। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट चेक करते हैं डी स्टूडेंट्स, मोल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। ए 3:2 मोलर रेशियो मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3 रिएक्ट विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस 2:3 मोलर मिक्सचर ऑफ FeO एंड Fe2O3। फाइंड आउट द मास ऑफ O2 गैस रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द मिक्सचर, रिक्वायर्ड पर मोल ऑफ द इनिशियल मिक्सचर। क्वेश्चन में यह है कि अपने पास स्टार्टिंग में FeO और Fe2O3 का मिक्सचर है जिसका रेशियो है वो 3:2 है। अब यहां पे ऑक्सीजन के साथ ये मिक्सचर रिएक्ट करता है तो किसका फॉर्मेशन होता है? FeO और Fe2O3 का मोलर रेशियो 2:3 में कन्वर्ट होता है। ये मिक्सचर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो ओनली FeO है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके Fe2O3 में कन्वर्ट होता है। Fe2O3 ऑलरेडी है प्रेजेंट, तो अब फाइनल मिक्सचर में FeO भी है और Fe2O3 भी है। इट मींस जो इनिशियल मिक्सचर का FeO है वो कंप्लीटली इस रिएक्शन में रिएक्शंस नहीं कर रहा है, कुछ मोल इसके रिएक्ट कर रहे हैं, तो जो रेशियो में है वो चेंजेज हो रहे हैं। अब हम चेक करते हैं FeO है वो O2 के साथ रिएक्ट करता है और क्या बनाता है? Fe2O3 बना लेता है। रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं, रिएक्शन को बैलेंस करते हैं तो देखना यहां पे 4 आ गया और ये कितना हो गया? 2 आ गया। देखिए रिएक्शंस बैलेंस है, 4 Fe हो गए और 6 क्या हो गए? ऑक्सीजन एटम्स हो गए।
अब हम चेक करते हैं इनिशियल जो अपने पास FeO का मोल है वो क्या हो गया, FeO 3:2 है और टोटल 1 मोल है, तो ये कितना हो गया इनिशियली 3/5 हो गया। इनिशियली अपने पास Fe2O3 है वो कितना हो गया 2/5 हो गया। अब FeO के कुछ मोल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके किसमें कन्वर्ट हो रहे हैं, Fe2O3 में कन्वर्ट हो रहे हैं, तो फाइनल जो अपने पास होगा उसमें से हमने कहा 3/5 माइनस x हो जाएगा और इसमें 2/5 में से जो कन्वर्ट हुआ वो सम हो जाएगा, तो ये हो गया 2/5 माइनस प्लस x बाई 2। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्योंकि इसके 4 मोल से कितने मोल बन रहे हैं, 2 मोल का फॉर्मेशन हो रहा है। ये फाइनल में अपने पास FeO और Fe2O3 का जो रेशियो है वो कितना है, 2:3 है, तो फाइनल जो अपने पास FeO और Fe2O3 का रेशियो है वो कितना हो गया, रेशियो 2:3 हो गया, मतलब 2/3 हो गया। FeO के मोल कितने हो गए फाइनल में, 3/5 माइनस एक्स और ये कितना हो गया 2/5 प्लस एक्स बाई 2 हो गया। यहां से इस इक्वेशन को अपन सोल्व करते हैं, इस इक्वेशन को सोल्व करते हैं तो एक्स की वैल्यू जो अपने पास आती है वो आ जाती है एक्स इज इक्वल टू 1/4, एक्स की वैल्यू 1/4 हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मोल ऑफ FeO रिएक्टेड कितने हो गए 1/4, तो रिक्वायर्ड ऑक्सीजन के मोल कितने हो जाएंगे, रिक्वायर्ड मोल ऑफ O2 हो जाएंगे वो इससे कितने होंगे 1/4 मोल होंगे, तो 1/16 मोल O2 के रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन का मास कितना हो जाएगा, रिक्वायर्ड मास जो ऑक्सीजन का रिक्वायर्ड हो जाएगा, मोल को किससे मल्टीप्लाई कर दे, मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा 2 ग्राम रिक्वायर्ड हो जाएगा, तो आंसर कितना हो जाएगा 2 इसका आंसर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। सम ऑफ द मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस ए प्लस बी इज एक्स, देन द वैल्यू ऑफ एक्स बाई 10। ये अपने पास कोई कंपाउंड है, ये NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, गैस ए का फॉर्मेशन करता है, कंपाउंड बी बनाता है, फिर NaHCO3 के साथ रिएक्ट करता है, गैस सी बनाता है और कंपाउंड डी का फॉर्मेशन करता है। इसमें से जो ए गैस है और बी सी गैस है इनके मोलर मास का सम कैलकुलेट हमें करना है और उसे 10 से डिवाइड कर देना है। यहां अगर हम चेक करें इसमें इस रिएक्शंस में, तो अपने पास एक तो सल्फोनिक एसिड है, बेंजोइक एसिड है, फिनोल है, एल्कोल है और एल्काइन है, डिफरेंट टाइप के अपने पास फंक्शनल ग्रुप हो गए। अब इन सब में से जो सबसे ये क्या रिएक्शन होगी, एसिड बेस रिएक्शन होगी। एसिड बेस रिएक्शन में सबसे पहले वो एसिडिक पार्ट रिएक्ट करेगा जो सबसे मोर एसिडिक होगा। इनमें से सबसे मोर एसिडिक पार्ट कौन सा हो गया, सबसे मोर एसिडिक पार्ट हो गया SO3H, सेकंड मोर एसिडिक पार्ट हो गया CO2H कार्बोक्सिलिक एसिड। अब इसमें अपने पास जो फर्स्टली ए गैस बनेगा वो ए गैस हो जाएगा अपने पास CO2, और ये CO2 है वो NaHCO3 से ऑब्टेन होगी, तो यहां पे इसका 14 आइसोटोप होगा और ये प्रोडक्ट जो बी कंपाउंड बनेगा वो बी कंपाउंड कुछ इस तरह से होगा,
ये पार्ट सेम होगा, कार्बोक्जिलिक एसिड, SO3, Na और ये CH, OH, C, देखिए CH, OH, C, ट्रिपल बोन CH, ये सेम एज इट इज होगा। तो यहां पे C14 होगा और यहां नेक्स्ट पार्ट रिएक्ट करेगा कौन सा वाला, सेकंड एसिडिक ये, और यहां NaHCO3 है तो कौन सा आइसोटोप है, 12 आइसोटोप है, तो यहां CO2 रिलीज होगा। गैस ए का मोलर मास हो गया वो कितना हो गया 46 और गैस बी का मोलर मास कितना हो गया 44, टोटल कितना हो गया 90/10, तो आंसर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। ओके डी स्टूडेंट्स, ओके थैंक यू JCLC। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मनीष डूडिक की टीम से केमिस्ट्री CLC आज अपन डिस्कस करेंगे, इसमें इनऑर्गेनिक डिस्कशन कराऊंगा हम आपको। देखते हैं इनऑर्गेनिक के कौन से क्वेश्चन थे अपने पास। ये तो ऑर्गेनिक का क्वेश्चन आ गया, पहला इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन ये था अपने पास, इसमें बात करें क्या कहा, ए मेटा सल्फेट ऑन हीटिंग इन्वॉल्व टू गैस बी एंड सी एंड एन ऑक्साइड डी, गैस बी टर्न के टू Cr2O7 पेपर ग्रीन वेल सी फॉर्म ए ट्राइमर इन विच देर इज नो SS बॉन्ड, कंपाउंड डी विद कंसंट्रेट HCl फॉर्म ए लेविस एसिड ई कंपाउंड ABCDE। बेटा जी ये कंपाउंड बता रहा है, बेटा दो गैस बना रहा है क्या, बी एंड सी दो गैस बना रहा है, तो अपन कहेंगे ये नेचर होता है किसका, सल्फेट Fe, फेरस सल्फेट को अगर हीट करोगे तो अपने को क्या बनेगा Fe2O3 बनेगा और साथ में SO2 प्लस SO3 गैस बनेगी, ठीक है। ये ट्राइमर बनाता है, ट्राइमर की फॉर्म में S3O9 की फॉर्म में रहता है SOS, डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बनेगा ये ट्राइमर बन जाएगा, ठीक है। इसकी रिएक्शन अगर अपन किससे कराएंगे, K2Cr2O7 से कराएंगे तो ये इसको चेंज कर देगा क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। तो अपने पास गैस हो गई ये B और ये क्या हो गई C और ऑक्साइड हो गया अपने पास D और A सल्फेट हो गया ये वाला और साथ में जो ये ऑक्साइड बना हुआ है इसकी रिएक्शन अपन HCl से कराएंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा FeCl3 मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा FeCl3। तो अपने पास A हो गया FeSO4, B हो गया SO2, C हो गया SO3 एंड ऑक्साइड हो जाएगा अपने पास Fe2O3 एंड ये हो गया अपना आंसर आ जाएगा फर्स्ट, तो इसमें अपना आंसर आएगा फर्स्ट। नेक्स्ट बात करते हैं, ये ऑर्गेनिक का क्वेश्चन है, ऑर्गेनिक का पैसेज है, ये इनऑर्गेनिक की बात करते हैं। इसमें देखिए ये कह रहा है कि Fe2O गैस को F2 के साथ ठंडा तनु NaOH पर क्रिया करा के बनाया जाता है, बिल्कुल सही बात है। यह H2S की तरह संरचना तथा सह संयुग यह प्रबल ऑक्सीकारक अभिकर्मक है, यह धातु SP तथा हैलोजन के साथ फ्लोराइड्स तथा ऑक्साइड देता है। F2O के बनाने में F2 गैस पर NaOH की क्रिया कराने पर यह परमाणु जो ऑक्सीकृत होता है, देखिए बेटा यहां पर इसमें माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट है जबकि यहां पर क्या आएगी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, तो यहां ऑक्सीजन का क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसमें पहला आंसर आ जाएगा अपना, तीसरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हैलोजन ऑक्साइड इज, हैलोजन के ऑक्साइड की स्टेबिलिटी देखी जाए तो बेटा जी इनमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, आयोडीन का होता है, फिर क्लोरीन का होता है, फिर किसका होता है ब्रोमीन का होता है और फिर फ्लोरीन के ऑक्साइड होते हैं, ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर है अपने पास, क्योंकि ऑक्सीजन आयोडीन के ऑक्साइड इसलिए सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि इसमें पोलर बॉन्ड मिलते हैं, क्या मिलते हैं ज्यादा बॉन्ड की पोलरिटी ज्यादा होगी तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, जबकि क्लोरीन ब्रोमीन से आगे क्यों है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छी बनती है, किसमें क्लोरीन में, इसलिए सबसे ज्यादा आयोडीन फिर क्लोरीन फिर ब्रोमीन एंड फिर फ्लोरीन हो जाएगा। तो अपन देखिए इस ऑप्शन में ब्रोमीन की कम है, आयोडीन से ब्रोमीन की कम है किससे क्लोरीन से, तो बाकी सब में ब्रोमीन बीच में दे रखा है, तो अपने को आंसर कौन सा आ जाएगा, अपना आंसर आ जाएगा फोर्थ, तो ये स्पेशल ध्यान रखना है अपने को। नेक्स्ट बात करते हैं,
ये अपना क्वेश्चन नहीं है, ऑर्गेनिक है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। कैल्शियम साइनामाइड, कैल्शियम साइनामाइड का फॉर्मूला क्या था बेटा? CaCN2। इसकी क्या वेपर से रिएक्शन, हाइड्रोलाइसिस करेंगे इसका, ठीक है। ये कह रहा है कि भाप से क्रिया कराने पर कैल्शियम साइनामाइड अमोनिया, सही, बिल्कुल सही बात है, NH3 प्लस CaCO3 का फॉर्मेशन करता है। इसका यूज एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है, इसका यूज एज ए फर्टिलाइजर किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, PCl5 को बंद बोतल में रखा जाता है क्योंकि ये नमी में अभिक्रिया कर लेता है। बिल्कुल बेटा जी, PCl5 नमी की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस हो जाता है। पहले क्या बनता है? POCl3 बनता है पार्शली हाइड्रोलाइसिस से, और साथ में क्या निकल जाते हैं? HCl निकल जाते हैं। इसलिए अपन इसको बंद बोतल में रखते हैं, नमी के पास नहीं आने देते। तो ये दोनों ऑप्शन सही आ रहे हैं। तीसरा ऑप्शन देखें, अमोनियम नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव अमोनिया, अमोनियम नाइट्राइट को अपन हीट करते हैं तो अमोनिया गैस नहीं बनती, यहाँ पर N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। किसका? N2 गैस का फॉर्मेशन होता है। तो अपना आंसर थर्ड रॉन्ग हो गया। फोर देखें, N3H एक क्षारीय हाइड्राइड है बेटा, एक क्षारीय हाइड्राइड नहीं है, ये एक बेटा जी अम्ल है। ये क्या है? एक अम्ल है, इसमें एसिडिक नेचर होती है। इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है देखें, इसकी स्ट्रक्चर HN डबल बॉन्ड N कोऑर्डिनेट N, ये इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ ये एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये स्टेटमेंट भी अपना रोंग हो गया, आंसर आ जाएगा फर्स्ट एंड सेकंड। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, व्हेन CO2 इज पास्ड इनटू एक्वा सॉल्यूशन, जब CO2 को एक्वा सॉल्यूशन किसके Na2CO4 विलयन में मिलाया जाता है तो इसका पीला रंग नारंगी कलर में चेंज हो जाता है, ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है बेटा। किसमें? ऑरेंज कलर में चेंज हो जाता है, बिल्कुल सही बात है। ये K2Cr2O7 को बनाने का मेथड है, K2Cr2O7 को बनाने का मेथड है। K2MnO4 सॉल्यूशन इज इट डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शन टू KMnO4 एंड MnO2, बिल्कुल सही बात है बेटा। K2MnO4 है ये प्लस सिक्स में है, किसमें? प्लस सिक्स में। ये चेंज हो जाता है किसमें? KMnO4 प्लस MnO2 में चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस फोर है, यहाँ प्लस सेवन है, और यहाँ प्लस सिक्स है। तो अपना आंसर फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों आ जाएंगे, इसमें क्या आ जाएंगे? फर्स्ट और सेकंड दोनों आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं अपन, द नंबर ऑफ स्पीसीज कंटेनिंग पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। देखिए बेटा, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई? प्लस फोर आएगी, तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक होगा, बिल्कुल सही बात है। जबकि इसमें बात करें, ये NH3 है बेटा यहाँ पर, ठीक है। इसमें बात करें तो ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, और इस पर क्या आएगा? सॉरी, माइनस है, ये सही है, या माइनस है, या प्लस थ्री आ जाएगा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, प्लस थ्री आएगा, तो ये डायामैग्नेटिक आएगा। क्या आएगा? डायामैग्नेटिक। ये क्या आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। ये कैसा आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा, ठीक है। ये भी कैसा आएगा? पैरामैग्नेटिक आएगा। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, या किसमें है ये प्लस थ्री में है, कितने है? प्लस थ्री में, तो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। यहाँ प्लस टू में है, यहाँ भी अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, कितने? दो अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। जबकि यहाँ बात करें, यहाँ एक अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो ये भी कैसा है? पैरामैग्नेटिक है। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें, ये भी पैरामैग्नेटिक है। इसमें बात करें, ये क्या आ जाएगा? डायामैग्नेटिक हो जाएगा। तो अपने पास डायामैग्नेटिक दो हो गए, पैरामैग्नेटिक देखिए काउंट कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5 पैरामैग्नेटिक आंसर आ जाएगा अपना 5, ठीक है। तो ये अपने क्वेश्चन थे, इनऑर्गेनिक के जो क्वेश्चन आए दिए हैं अपने, ठीक है। ये ऑर्गेनिक का आपके पास, ठीक है। पेपर अपना एडवांस लेवल का ही था। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।